यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, थ्री फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 30 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन एंड 15 किलो न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट है, इस पर एक्ट कर रहे हैं। द एंगल्स मेड बाई 30, 10 एंड 15 किलो न्यूटन विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये जो 30 किलो न्यूटन है ये कितना एंगल बना रहा है, 60 बना रहा है। 10 किलो न्यूटन है 120 बना रहा है, और 15 किलो न्यूटन है ये 240 बना रहा है। ठीक है, तो मैं एंगल लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका हो गया 60 पहला फोर्स। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आ गया आपका कितना, 30 किलो न्यूटन, और एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल आपका बना रहा है 60 डिग्री। दूसरा फोर्स कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है आपकी 10 किलो न्यूटन, और जो एंगल ये बना रहा है इस एंगल की वैल्यू दे रखी है 120, है ना पूरा। तीसरा क्या दिया है, एंगल 240। ठीक है, फोर्स 15 किलो न्यूटन है, तो 240 मीन्स ये कुछ इस तरह से आपका एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है आपको, ये एंगल दिया हुआ है 240। ठीक है, तो सीधा सा है, कुछ नहीं है इसमें, एक्स एक्स एंगल बनना है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3। ठीक है, तो सिग्मा एच इक्वल्स F1 की वैल्यू, F1 आपका कितना है 30 cos 60। आपको यहाँ पे समझ में आता है ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है, और θ1 कितना हो जाएगा, θ1 60 हो गया, θ2 120 हो गया, और θ3 हो गया आपका 240। ठीक है, तो 3 cos 60 प्लस, सॉरी 30 cos 60 प्लस 10 cos 120 प्लस 240 cos 2, सॉरी ये 240 नहीं है, इसकी वैल्यू है 15। ठीक है, F3 यहाँ पे कितना दिया है, ये 15, 240 तो आपका पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है 240। तो 15 cos 240। ठीक है, तो सीधे कैलकुलेटर से आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, 30 into cos 60 प्लस 10 into cos 120 प्लस 15 into cos 240। ठीक है, तो ये आ गया 2.5, तो सिग्मा एच इक्वल्स आ गया 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब सिग्मा वी भी निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस को निकालने का फॉर्मूला होता है F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3। तो सिग्मा वी इक्वल्स आ जाएगा, F1 आपका कितना है 30 sin 60 प्लस F2 कितना है 10, और sin 120 प्लस F3 कितना है 15 sin 240। तो सिग्मा वी इक्वल्स आ जाएगा, अब यहाँ पे 30 into sin 60 ये आ गया, प्लस 10 into sin 120 ये आ गया, प्लस 15 into sin 240, तो ये आ गया आपका 21.6 किलो न्यूटन। ठीक है, अब रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √R = σ h² प्लस σ v²। ठीक है, तो सिग्मा एच की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एच की वैल्यू 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 21.6।
21.6 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स। अब आप यहाँ पे सीधा निकालो कैलकुलेटर से, 21.6 है पहले से, तो इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस 2.5 का स्क्वायर कर लिया, ये आ गया रूट आंसर। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट इक्वल्स 21.79 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आपका रिजल्टेंट निकल आया, ये मैग्नीट्यूड निकल आया, और इसमें डायरेक्शन ही पूछा है, ठीक है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेन अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा इक्वल्स क्या होता है, सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच। तो टेन अल्फ़ा इक्वल्स सिग्मा वी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वी है आपका 21.6 और सिग्मा एच कितना है 2.5, ठीक है। तो 21.6 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा आ गया आपका 8.64, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल्स क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 8.64, ठीक है। तो शिफ्ट टेन इनवर्स आंसर, दी वैल्यू आ गई आपकी अल्फ़ा इक्वल्स 83.39, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल से ये इतना एंगल आपका बना रहा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब आपका जो रिजल्टेंट होगा वो करीब यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, ठीक है, ये आ रहा होगा। और यहाँ से इसका जो एंगल होगा वो कितना हमने निकाला है, वो एंगल आएगा आपका करीब 83.39, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का ये आ गया आपका डायरेक्शन, और डायरेक्शन या लोकेशन आ गया, और रिजल्टेंट कितना आया इसका, मैग्नीट्यूड आया इतना, और ये इसका आ गया डायरेक्शन। थैंक यू।